त्यानंतर माननीय मंत्री पर्यटन महिला बाल विकास तथा पालकमंत्री मुंबई उपनगरे श्री मंगल प्रभात लोढा साहेबांना मी विनंती करते की आपलं मनोगत इथं व्यक्त व्हावं. महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए आज जिनकी पुण्य स्मृति है ऐसे माननीय बाला साहब ठाकरे साहब को नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के लाडले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे, हमारे पालक मंत्री श्री दीपक केसरकर जी, यहाँ के लोकप्रिय खासदार श्री राहुल सेवाले जी, जो बहुत अच्छे तरीके से महानगर पालिका में सरकार की सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसे मैन इन एक्शन श्री इकबाल सिंह जी चहल, ये कार्यक्रम जिनके अंदर आता है, ऐसे हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर श्री संजीव कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित धारावी की जनता, सभी लोग माननीय एकनाथ राव जी शिंदे को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. पर मुझे इतना ज़रूर समझ में आता है कि कभी बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाए और उसके बाद में थोड़े दिनों बाद मिले तो उसकी क्या हालत होती है. वैसा ही हुआ कि 2.5 साल पहले मुंबई की जनता अनाथ हो गई, मुंबई के अंदर मुंबई को संभालने वाले लोग दरवाजों के अंदर बंद हो गए, केवल ऑनलाइन टीवी के अंदर, प्रेस के अंदर. 2.5 साल के बाद में मुंबई को, महाराष्ट्र को वापस उनके माँ और बाप दोनों मिल गए. माननीय एकनाथ जी शिंदे और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माँ बाप दोनों मिलने के बाद बच्चों को जो खुशी होती है वो आज शिंदे साहब आपके सरकार के मुख्यमंत्री बनने के बाद और देवेंद्र जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर सबको हो रही है. आपके नेतृत्व के अंदर मुंबई के लोगों को एक ऐसी सौगात मिली है, ये 500 मीटर के अंदर अंदर हर व्यक्ति को 500 मीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा. और जैसा कि चहल साहब ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहा है कि ये आज उद्घाटन हुआ है, ये आज सारे मेडिकल खुल गए हैं पर अब कभी बंद नहीं होंगे, आपके लिए इसके दरवाजे शुरू रहेंगे, खुले रहेंगे और हर व्यक्ति को उसके दरवाजे पर आकर, उसके घर के पास में आकर मेडिकल फैसिलिटी. राहुल सेवाले जी ने कहा कि भारत में इसका नाम होगा, सेवाले साहब भारत में नहीं, आप पक्का विश्वास करके देख लेना, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर देखने आएंगे कि ये कैसे हो सकता है जो आज हमने यहाँ पर करके दिखाया है. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.